यस बेटा, नाउ सी द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रिवाइज इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम टेम्परेचर, तो इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर भी सेम होगा। इसे कहते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, देन दीज टू बॉडीज ऑल्सो हैव सेम टेम्परेचर और आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे हम नाम देते हैं अपना, क्या नाम देते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं एक चीज फटाफट रिवाइज कराता हूँ और आगे चलता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट की फॉर्म में कर लेते हैं। अपना क्यू किस चीज का सिंबल है बेटा, हीट का, हीट गेन या हीट लॉस। डब्ल्यू किस चीज का सिंबल बताया था मैंने, वर्क डन का। और एच किस चीज का सिंबल बताया था मैंने, एनथैल्पी। जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और यू या फिर ई, ये किस चीज का सिंबल बताया था, इंटरनल एनर्जी। जो आजकल बुक्स आ रही है ना उसमें ई नहीं यूज हो रहा, ये वाला सिंबल यूज हो रहा है यू। कई बुक्स में ई भी मिलेगा, अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो उसमें ई सिंबल भी मिलेगा इंटरनल एनर्जी का। तो वर्क डन, हीट, अपना एंथैल्पी और ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब इसी तरह से अगर मैं पी यूज करूं तो पी यहाँ पे प्रेशर टर्म है, जस्ट एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ। वी यहाँ पे आपका वॉल्यूम टर्म है और आपका टी जी इज योर टेम्परेचर। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं कहीं पे डेल्टा एच लिख दूं, डेल्टा यू लिख दूं, डेल्टा टी लिख दूं, डेल्टा वी लिख दूं, अब इनका मैं पूछ लूं आपसे जनरल फॉर्मूला, तो याद है ना, बोलो अंकित क्या है जनरल फॉर्मूला, डेल्टा एच H2 माइनस और एच H1 टू माइनस इन एच फाइनल वन। माइनस इन न्यूट्रल, यस। और इसी तरह से डेल्टा यू क्या बनेगा, यू टू यू टू माइनस माइनस यू वन वन। इसी तरह डेल्टा टी क्या बन जाएगा, वी टी टू टू माइनस टी वन माइनस टी वन। इसी तरह से डेल्टा वी क्या बन जाएगा, वी वी टू टू माइनस वी वन माइनस वी वन। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये सारे एक तरह से जनरल फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जनरल फॉर्मूले। ये मैंने क्यों याद करवाया आज आपको दोबारा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वहां पे हम इन चीजों की यूज करने वाले हैं। जहां बेटा प्रॉब्लम आ जाए पूछना, और बीच बीच में मैं आप लोगों से भी पूछता ही रहूंगा। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं जैसे ही आगे चलता हूँ तो हमारा टॉपिक आता है इंटरनल एनर्जी या फिर इंट्रिंसिक एनर्जी। तो अब मैं जो उसको बोल रहा हूँ बस सुन लो, यहाँ से मैं कुछ पढ़ने की खैर जरूरत नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आगे चलते चलो। जो हमारा इंटरनल एनर्जी है ना, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का कुछ टेम्परेचर होता है, जैसे हमारी बॉडी का 37 है, या कोई पत्थर है उसका कोई टेम्परेचर है, पानी है, पानी का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता ही है अंदर, मतलब आपसे मेजर करोगे। तो इंटरनल टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल हीट, उसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। अब ये किसी भी कारण हो सकता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, मूवमेंट होती है, ऑर्गन की वाइब्रेशंस रहती हैं, तो उस कारण एनर्जी बनती है जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मान लो कोई सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही ना वाइब्रेट करते हैं धीरे धीरे, तो उस कारण एनर्जी बनती है। कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें होती है, तो ये सारा इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, नहीं डाली हुई तो उसके बाद लिख लो इंटरनल एनर्जी में पहली दो लाइनें, द टोटल इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, और नोट में डाल लो। नोट वन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और दूसरा नोट लिख लो कि इंटरनल एनर्जी हैज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये चीजें नोट कर लो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी है क्या, पहली बात तो ये, यानी किसी की अंदर की एनर्जी, यानी किसी सिस्टम की अंदर की एनर्जी। जैसे आप पानी बॉयल कर रहे हो तो पानी बॉयल करते हुए पानी का टेम्परेचर कितना है, दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी, बाहर का नहीं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, एटमोसफेयर का कितना है, मान लो हमारी बॉडी का 37 है और एटमोसफेयर का आज मान लो 45 है, तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, वो नहीं, मतलब हमारी बॉडी का यानी सिस्टम का अंदर का टेम्परेचर, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और उसके कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है जी।
तो इसे नोट करके डन बोलिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन अनदर टॉपिक विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कि आपने प्रूफ करना है कि जो वर्क डन है ना वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। अच्छा, माइनस और प्लस का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। अभी हमारा टॉपिक ये है कि हमने प्रूफ करना है कि जो वर्क डन है वो पी डेल्टा वी के बराबर है। अब ये समझ लेना ध्यान से, पहले मैं समझाता हूँ फिर नोट करने का टाइम दूंगा। तो वर्क डन जो है ये प्लस माइनस पी डेल्टा वी हो सकता है। यहाँ पे हमने माइनस लिया है, तो आई विल टेल यू द मीनिंग लेटर ऑन। टॉपिक का नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क और डिराइव, और क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो डिराइव डिराइव दिस वर्क डन इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा वी। डिराइव वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा मेरा वी ब्लैक वाला पेन था मेरा। प्लस माइनस करके इस तरीके से आ जाएगा। लो जी, अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब इसको हमने कैसे डिराइव करना है। हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर ले लेंगे। तो कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं V1 या VI, ठीक है जी। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे V1 मान लीजिए या VI मान लीजिए, मतलब इनिशियल वॉल्यूम। और ये पिस्टन है, जैसे पिचकारी नहीं होती, पिचकारी का हैंडल होता है आगे करने के लिए। तो एक कंटेनर है, उसमें गैस है, आपने प्रेशर लगाया, इस कंटेनर में आपने प्रेशर लगाया। प्रेशर लगा के जो आपका पिस्टन है ना, इतनी नीचे आ गया। देखो मैंने सर्कल किया हुआ है, मान लो इतनी नीचे आ गया, इतनी नीचे आ गया, तो आपका वॉल्यूम हो गया V2 या VF। VF मतलब V फाइनल, V2 फाइनल, आपका वॉल्यूम इतना हो गया। अब आप देखो, जब हमने प्रेशर लगाया पिस्टन पे, पिचकारी की डंडी पे, इस तरह से समझ लो, तो जो हमारा पिस्टन है यहाँ से यहाँ चला गया, यानी इतना डिस्टेंस मूव हो गया। तो ये डिस्टेंस को ना हम स्मॉल डिस्टेंस कहते हैं, और हमने DL नाम दे दिया। DL मतलब स्मॉल डिस्टेंस, ध्यान रखना, DL मतलब स्मॉल डिस्टेंस। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि कहीं पे अगर हम प्रेशर लगाएं और मूवमेंट आ जाए तो वर्क डन हो जाता है। तो देखो यहाँ साइड पे मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वी नो, फिजिक्स का यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करेंगे, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एस होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटी है DL, तो यानी एस की वैल्यू DL हो गई। तो अगर एस की वैल्यू DL है, यानी छोटा मूवमेंट है, तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो ये डी का मतलब होता है छोटा वर्क डन, यानी हमारा फॉर्मूला बन गया DW। ये हमने फिजिक्स का यूज किया है, ठीक है ना, फिजिक्स का यूज किया, ध्यान से समझना। फिजिक्स का हमने यूज किया और लिख लिया, हमने लिखा DW इज इक्वल टू एफ डॉट DL। ये आ जाएगा ना, यहाँ पे से हम शुरू कर लेते हैं, वी नो वर्क डन, ठीक है, सो देयर फोर वर्क डन इज दिस। तो ये समझ में आया बेटा, मैं ये टर्म कैसे लेके आया, बोल लो अगर कोई डाउट है बेटा प्लीज। देखो फिजिक्स हमने यूज की, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू ना 1 है, बस ये समझ लेना, इसलिए हमने यहाँ दिखाया नहीं। तो हमारा मूवमेंट बहुत छोटी थी, तो हमारा एस DL हो गया और ये बन गया। अब जो हमारा ये एफ है, एफ प्रेशर के से निकाल लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। तो यहाँ मैंने एफ की जगह क्या लिख दिया, पी इंटू ए लिख दिया। अब देखो जो हमारा एरिया है ना, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वेयर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वेयर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया ना, तो मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, यानी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, क्या बन जाएगा हमारा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसमें पुट किया, फिर हम उसके बाद अपना फिजिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल है हमारा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेट जब करेंगे ना इस टर्म को, समझो जरा ध्यान से, जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बड़ा बन जाता है, यानी जो स्मॉल चेंज होती है ना वो बड़ी हो जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा चेंज बताना। तो DW स्मॉल है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। और प्रेशर को हमने बाहर कर लिया, ठीक है, तो प्रेशर को हमने बाहर कर लिया, तो जो हमारा वॉल्यूम चेंज है, प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो जो हमारा वॉल्यूम चेंज है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, V2 और V1, यानी ये चेंज आया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल मतलब V2 माइनस V1। तो ये बन जाएगा डेल्टा V, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा V। देखो बेटा एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अब फटाफट समझ लीजिए। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, डिराइव वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के लिखेंगे कि सपोज वी हैव अ कंटेनर हैविंग पिस्टन कंटेनिंग गैस हैविंग वॉल्यूम वी1। माइनस क्यों लिखा है,
तो हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया बेटा। अभी मैं माइनस प्लस का मतलब बाद में बताऊंगा, मैंने बोला है अभी माइनस और प्लस क्यों लिखा है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, जस्ट वेट। एक बार मैं दोबारा डेरिवेशन समझा दूँ, तो जब हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो पिस्टन ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इतने डिस्टेंस को हमने डीएल ले लिया क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस है, यानी एस के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ, तो हमने फिजिक्स यूज की, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एस की वैल्यू डीएल थी, हमने डीएल डाल दिया और एफ हमने वैसे ही छोड़ दिया और वर्क डन को डीडब्ल्यू कर दिया क्योंकि स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल चेंज है ना, तो स्मॉल वर्क डन। तो फॉर्मूला आ गया स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू डीएल। अब हमने एफ को प्रेशर के फॉर्मूले से एफ की वैल्यू डाल दी, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यहाँ पुट कर दिया। अब जो हमारा एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो गया, मतलब ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो पी डी वी हो गया। अब ये स्मॉल वर्क डन आ गया, आया तो यही है वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, बट ये स्मॉल वर्क डन है। अब इसको हमने बिगर वर्क डन बनाना है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस सिंबल को कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो वर्क डन हमारा बड़ा वर्क डन हो गया, पी बाहर निकाल दिया हमने, और जो हमारा वॉल्यूम था वी वन और वी टू था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारा आ गया पी डेल्टा वी। तो ये थी इसकी डेरिवेशन। देखो जो अभी हमने डेरिवेशन की, हमने वर्क डन की डेरिवेशन कर ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें बताऊंगा कि माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है। आप देख भी रहे हो मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि माइनस और प्लस कब लेना है। अब मैं इसे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। इसको बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, समझो। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, लिखो मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपने सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी चेंज करनी है तो कौन से तरीके हैं जिससे आप चेंज करवा सकते हो। तो दो ही तरीके हैं, पहला तरीका है हीट और दूसरा तरीका है वर्क डन। जैसे कोई सिस्टम है उसको गर्म कर दो या उसको ठंडा कर दो, तो गर्म करोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी और ठंडा करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी सीधा हीट दे दो या हीट कम करनी शुरू कर दो, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट या लॉस ऑफ हीट। अच्छा, दूसरा तरीका है वर्क करवा लो, वर्क डन कर दो। जैसे मान लो आप एक बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी एक बॉडी है, आपको मैंने बोला काम करो, मैं खाना नहीं दे रहा आपको, बस मैं बोल रहा हूँ काम करो, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ये बताइए। बताइए बेटा, कोई भी एक बच्चा बोलिए, कम हो जाएगी कम सर। हो जाएगी ना। अच्छा, और खाना खाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, खाना खाने से बढ़ जाएगी सर, एनर्जी बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। बस। तो यही चीज है, यानी हम अपने नेचर में अगर हम एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो हीट के साथ या वर्क डन करके कर सकते हैं, यानी देयर आर टू वेज। इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हेडिंग डालो कॉपी में और हेडिंग में आएगा मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, तो उसमें लिखो देयर आर टू मोड्स, हीट एंड वर्क डन। किसी को गर्म कर दो या ठंडा कर दो, या किसी से काम करवा लो, काम करवाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, उसके ऊपर काम कर दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब किसी को खाना खिला दोगे या किसी को हीट दे दोगे। तो ये चीज हो गई। अब इसके नीचे वाली चीजें मैंने यहाँ साइड पे लिखी हुई है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, तो अब ये मैं समझा रहा हूँ, समझो, ध्यान से समझना। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते हुए सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि मैंने पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो देखो, मान लो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नोट वन, मान लो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। जैसे मान लो आप एक बॉडी हो, आप काम कर रहे हो, तो काम कर रहे हो तो एनर्जी कम हो रही है ना, तो क्वेश्चन पढ़ के लगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी एनर्जी कम हो रही है, तो माइनस ले लेना। अब समझ में आया माइनस कैसे लेना है, आगम समझ में आया माइनस कब लेना है, कि क्वेश्चन में ये वर्ड लिखे हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा हो, यानी सिस्टम काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ थोड़ी रही है, कम हो रही है, आप पढ़ रहे हो तो आपकी भी एनर्जी कम हो रही है, यानी वर्क डन हो रहा है, यानी नेगेटिव कम हो रही है, भूख लगेगी खा लोगे, एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से वर्क डन ऑन सिस्टम लिखा हो, वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब रोटी खा रहा है, ऐसे समझ लो, वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब हो गया रोटी खा रहा है, तो एनर्जी हो गई हमारी कम। ठीक है, लिखते जाना साथ में। और एनर्जी ट्रांसफर के दो तरीके हैं तो मैंने बता ही दिए। अब एक और है, नोट वन टू नोट, फिर थ्री फोर कर लेना, हीट गेन बाय सिस्टम। मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन में लिखा है कि भी सिस्टम ने हीट गेन कर ली, अब हीट गेन कर ली तो एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई, ये बताओ जल्दी बोलो, एनर्जी बढ़ गई या कम बढ़ हो गई गई, सर। बढ़ गई तो पॉजिटिव लेना है, मान लो पॉजिटिव। अगर कहीं वर्ड लिखा है हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, तो लॉस्ट बाय द सिस्टम मतलब कम हो गई या ज्यादा हो गई,
बताओ कम हो गई या ज्यादा हो गई, बोलो बेटा जल्दी। कम हो गई सर। कम हो गई तो नेगेटिव, चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके जी, तो मैंने अब आपको ये करा दिया कि नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है। अब मेरी ये स्लाइड देखो, अब इस स्लाइड में हमने गैस को कंप्रेस किया था, कंप्रेस किया था ना, यानी वर्क डन क्या हो गया हमारा, वर्क डन क्या हो गया, अगर मैंने कंप्रेस किया तो वर्क डन ऑन सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे पी डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए था या नेगेटिव होना चाहिए था ये बताइए, क्योंकि अगर गैस है, गैस को मैंने अगर फोर्स लगा दी तो गैस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, बट मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अगर मैं माइनस लिखूं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं माइनस लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपेंड, बट मैंने जो एक्सप्लेन, हाँ बट जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है वो कॉन्ट्रैक्ट की है, यानी मेरा पॉजिटिव आंसर आया है। नेगेटिव आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ था जानबूझ के कि बच्चों के माइंड में नेगेटिव रहे और वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सो अब आपको समझ में आ गया कि अगर कहीं नेगेटिव लिखा उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब है। नाउ दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब कंप्रेस करने से पॉजिटिव कैसे होएगा बेटा, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। जैसे मान लो आपका मन नहीं कर रहा किसी काम को करने के लिए, मैंने बोला नहीं कर, तो तू खुशी होके करेगा या गुस्से में करेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी ना, ऐसे समझने के लिए बताया। बोल क्या बोला मैंने, एनर्जी तेरी बढ़ जाएगी या कम होगी, तो खुशी से नहीं कर रहा तो गुस्से में करेगा, अभी मैं नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करेगा, उठा पटक करेगा सारी चीजें, तो इस तरह से समझ गए। तो ये यही तो वर्ड है, अगर कहीं पे लिखा हो गैस एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब है एनर्जी कम होना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एनर्जी बढ़ना, अगर कोई मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे तो रिपल्शन हो जाती है, इस तरह से समझ लो, और रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ जाती है, दूर दूर होंगे तो एनर्जी लेस होगी यानी नेगेटिव। सो जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, और थोड़ा थोड़ा सोचोगे ना तो आप इसे अपने ब्रेन में फिट कर पाओगे। अब हम एक और डेरिवेशन पे चलते हैं, तो जल्दी से नोट कर लेना, थोड़ा टाइम आउट का भी है, 4 मिनट रह गए। देखो अभी हमने पढ़ा, अब हम एक डेरिवेशन को आगे लेके जा रहे हैं समझने के लिए। अभी हमने, हम वहीं से वर्क डन से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ना थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। देखो हमने पढ़ा, इंटीग्रेशन वाला स्टेप उठा लिया मैंने, जो हमने पीछे किया था ना वहां से इंटीग्रेशन वाला स्टेप उठा लिया कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब मैंने यहाँ ना माइनस लगाया, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन बनाई यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने P इंटरनल कर दिया, यानी जब हम प्रेशर लगाएंगे गैस पे या गैस एक्सपैंड होगी, तो इस तरह से समझा रहा हूँ, इंटरनल प्रेशर, और एक्सटर्नल भी आप लिख सकते हो। ओके, अब क्या होगा कि जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे P आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, PV is equal to nRT, ये कौन सी इक्वेशन है, इसे मैंने इक्वेशन वन कर दिया, ये कौन सी इक्वेशन है, ना तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो मैंने यहाँ से P निकाल लिया एक साइड, तो P निकाल के मैंने ये P वाली वैल्यू यहाँ डाल दी इक्वेशन वन में, इसे इक्वेशन टू बोला, putting two in one, तो देख बताओ क्या बनेगा जब मैं put करूंगा, तो work done reversible, अच्छा यहाँ पे ना work done reversible, यानी reversible process की ये बात हो रही है, ये बात कौन से process की हो रही है, reversible, आप नहीं लिखना चाहते reversible, ना लिखिए, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखो, तो अभी सिंपल इसकी डेरिवेशन समझ लो, तो जो हमारा प्रेशर है वो एन आर टी बाय वी आ गया, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैंने पुट किया तो ये जो हमारा V है ये मैंने इधर को शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारा एक मैथ का फॉर्मूला बन गया जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब हम इस तरह की चीजों को इंटीग्रेट करते हैं तो N, R और T तो कांस्टेंट है, अब ये V1 से V2, तो इसको जब हम करते हैं ना इंटीग्रेट इस वैल्यू को, तो हमारा आंसर आता है इस तरह से। देखो जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो आता है लॉग एल एन, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग वी टू बाय वी वन, तो मैंने यहाँ लिखा, यानी जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एन आर टी तो बाहर निकल गया, नेचुरल लॉग होगा वी टू बाई वी वन, और ये जो नेचुरल लॉग है इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.303 लॉग, तो ये एल एन की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया फॉर डूइंग न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।